इसका गोश्त जो है और हरण के गोश्त में कोई फर्क नहीं है, एंटिक चीज है, ये आमतौर पर नहीं पाई जाती, मतलब नायाब है। मंडी में एक नई नस्ल मौजूद है और उनका दावा है कि पूरे लाहौर में इस तरह का जानवर नहीं होगा और इसको मारखोर कहा जा रहा है। ये आपके सामने आप देख सकते हैं, मारखोर कापी है। ये कहाँ से लेके आए हैं और इसका रेट क्या है यहाँ पे और इसके और भी क्या फायदे हैं, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप मुझे ये बताएं कि ये कहाँ से लेके आए हैं और इसका रेट क्या है। सर ये मुख्तलिफ चीज है, एंटिक चीज है, ये आमतौर पर नहीं पाई जाती, मतलब नायाब है। और ये बलूचिस्तान से में होता है, वहाँ से सिंध में मेरे दोस्तों ने लिया, उन्होंने फिर डेरा गाजी खान में मेरे दोस्तों को भेजा, उन्होंने फिर मुझे गिफ्ट किया ये। और इसको हमने एक साल पाला है और इसका गोश्त जो है और हरण के गोश्त में कोई फ़र्क नहीं है, ये इतनी अहम होता है। इसको आला पाए के जो ऑफिसर होते हैं, ख़ास तौर में जो आर्मी के बड़े अफसरान हैं, वो इनको इसको लाइक करते हैं और इसका गोश्त जो है वो खाते हैं। और अभी तक जो है वो कितने ग्राहक इसको देख के गए हैं और क्या रेट लगाया उन्होंने। मैं ग्राहक का नहीं बता सकता, इतनी ग्राहक देख के गए हैं कि मैं बता नहीं सकता कि इतनी सेल्फीज हुई हैं, इतनी फैमिलीज आई हैं, इतनी बेबीज बच्चे आए हैं और उन्होंने इतनी लाइक किया है कि इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता कि कितने लोगों की गिनती से ज़्यादा का मामला है। तो बहरहाल अभी तक मैंने इसको रखा हुआ है, वैसे मेरी नीयत है कि अगर ये ना भी बिके तो मैं अपने घर ले जाऊं, फिर नेक्स्ट ईयर फिर लेकर आऊं। अच्छा, इसमें क्वालिटीज क्या क्या हैं वो हमें बताएं। क्वालिटीज ये हैं कि ये बहुत ब्यूटीफुल है और हाथ से हम खिलाते हैं जो भी ये वो खाता है और बहुत प्यारा लगता है, बहुत सुंदर है, हसीन है, जबरदस्त ग्रेट चीज़ है।